हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी रिव्यू। आज हम बात करेंगे अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जो कि है डाबर वाटिका का प्रोडक्ट। गाइज, अगर आप इस प्रोडक्ट के फायदे और नुकसान जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप अभी तक अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक आप लाइक हिट कर सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है डाबर वाटिका नेचुरल आयुर्वेदिक शैम्पू। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग हैं जो इस प्रोडक्ट का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं मुझे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तब मैंने इस प्रोडक्ट की वीडियो शूट करी है। मोर ओवर साथ ही साथ बताना चाहूंगी, लकली मैं इस प्रोडक्ट को करंटली यूज भी कर रही हूँ। तो इससे दो फायदे ये हो जाएंगे, जिनको ये वीडियो चाहिए होगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और फॉर्चुनेटली मैं इस प्रोडक्ट का जेन्युइन फीडबैक शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे करंटली यूज़ कर रही हूँ। गाइज, तो देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। गाइज, ऐसे कि आपको पता है इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा होता है 10 10 पोशन, 10 मेंशन है न्यूमेरिकली और यहाँ पे नीचे मेंशन है 10 पोशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर। तो हम 10 पोशन, अब वो 10 पोशन क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको इनिशियली यहाँ पे फ्रंट में ही आपको पता चल जाएगा कि वो 10 पोशन कौन से हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें है यशी मधु, भृंगराज, एलोवेरा, हीना, मेथी, आंवला, रीठा, आलमंड, रोजमेरी, जवा कुसुम। तो ये 10 पोशन के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ये प्रोडक्ट किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। थोड़ी बेसिक डिटेल्स के बारे में इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि अगर मैं प्रोडक्ट की MRP के बारे में बात करूं तो 400 रुपीज़ की MRP है इसकी, 2 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है। और अगर मैं इसकी क्वान्टिटी की बात करूँ तो ये 640 ml की बॉटल है, इसमें प्रोडक्ट है। और जो ये बॉटल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये प्रोडक्ट कि जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, तो आप इसे एज ए फैमिली पैक भी कंसीडर कर सकते हैं। गाइस, जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए, ऑल यू नीड टू जस्ट प्रेस दिस पंप और उसके बाद आपको प्रोडक्ट जितना आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउनिश कलर का है, और ये जो बॉटल है जैसे कि आप देख रहे हैं प्लास्टिक की बॉटल है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर समटाइम कभी होता है कि आप काफ़ी ऊंची जगह पे इसको रखते हैं तो कभी कभी होती है अगर वो ग्लास बॉटल होती है तो वो नीचे गिरकर टूट जाती है, लेकिन इसमें ये बेनिफिट है कि ये टूटेगी नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए आप उतना पंप प्रेस करके उतने ही बार इसको पंप को प्रेस कीजिए और यू विल गेट द प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट के पर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर 10 पोशन के जो प्रोडक्ट्स इन इंडिविजुअल बताए इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो एलोवेरा में आपको मिलेगा स्मूथनेस हेयर, जो कि एलोवेरा आपको स्मूथनेस हेयर देगी। मेथी देती है, कंट्रोल करती है डैंड्रफ आपके, और आलमंड करेगा मॉइस्चराइजेस हेयर को आपके, आंवला नरिशेस करेगा हेयर को, रोजमेरी कंडीशन हेयर, जवा कुसुम स्कैल्प हेयर के लिए, जो आपका जो हेल्थ है, जो आपकी स्कैल्प की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है, रीठा क्लीननेस हेयर, हीना मेंटेन नेचुरल कलर, यश्ती मधु आपका स्ट्रेंथन हेयर करेगी, और भृंगराज आपको कंट्रोल करेगा हेयर फॉल को। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि सौंदर्य प्रसादक है, तो कंटेन्स करते हैं सारे हर्ब्स जो कि हेल्प करेंगे आपकी हेयर के लिए। गाइस, सबसे देखिए डाबर का जो प्रोडक्ट होते हैं, डाबर के प्रोडक्ट के अंदर मेजरली आपको सारे आयुर्वेदिक ही आइटम्स मिलेंगे इसके अंदर, जो हर्ब्स मिलेंगे। लेकिन सबसे एक बात बता दूं कि अगर आपके बाल काफ़ी थिन हैं, और या तो फिर आपके बाल स्ट्रेट हैं, या तो फिर आप अगर आपके बाल या तो फिर काफ़ी रफ हैं, देखिए रफ बाल हैं तो आप इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हेयर को और रफ करता है थोड़ा सा। क्योंकि हीना होती है, हीना अगर आप नॉर्मली भी अपने बालों पर लगाते हैं तो आपको पता है कि उससे आपके जो हेयर हैं वो ड्राई होते हैं, ठीक है। अगर आपके बाल थोड़े ऑयली हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, थिन हेयर हैं तो भी आप इसे यूज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उससे आपको एक बाउंस मिल जाता है गाइस, ठीक है। और इसमें अच्छी बात ये है कि एक तो आयुर्वेदिक है, क्योंकि आपको पता है बींग एज ए इंडियन मेंटालिटी, अगर हमें कुछ भी पता चलता है कि समथिंग किसी की प्रोडक्ट के अंदर आयुर्वेदिक है तो हम उसको आंखें बंद करके परचेज करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि वाकई में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं। और मैं तो कहूँगी कि कहीं ना कहीं दिस प्रोडक्ट इज समवेयर
एक्चुअली हेल्प मी आउट फॉर माई लॉन्ग हेयर. अगर आपको लंबे बाल पसंद है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप इसे यूज़ कर सकते हैं गाइस. और आपकी ऑयली हेयर हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ड्राई हेयर हैं आपके तो अवॉइड कीजिए अपना ड्राई हेयर को अगर आपके हैं तो. और सबसे बड़ी बात, जब भी आप शैम्पू यूज़ करें तो उससे सबसे पहले आप अपने हेयर में ऑयल कर लीजिए. ऑयल करने से एक तो क्या होता है कि आपके बाल कम टूटते हैं गाइस. और देखिए, सिर्फ शैम्पू ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता आपके हेयर फॉल को गिरने से रोकने के लिए या फिर आपके डैंड्रफ ना आने के लिए. देर आर सर्टन रीजंस ऑल्सो जो कि बिल्कुल मतलब कि साथ ही साथ वर्क करते हैं. तो आप सिर्फ शैम्पू के भरोसे ना रहकर दूसरी भी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सकते हैं. जैसे कि शैम्पू करने से पहले इंश्योर करें कि आप ऑयलिंग कर लें अपने बालों की, और शैम्पू करने के बाद इंश्योर करें कि आप कंडीशनिंग ज़रूर करें अपने बालों की. और उसके बाद अपने जो वेट हेयर है, अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा शाइन अपने बालों में, तो प्लीज़ आप सीरम ज़रूर लगा सकते हैं. सिरम लगाने से शाइन आ जाती है और आपका जो टैंगल्ड हेयर होते हैं वो इजीली डिटैंगल्ड हो जाते हैं. तो ये इसका बेनिफिट रहता है. और शाइन, अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में कहूँ कि अगर आपको शाइन, तो मैं एक्सट्रीमली शाइन की बात नहीं करूँगी कि इसको लगाने से बहुत ज़्यादा आपको शाइन मिल जाएगी. शाइन मिलेगी, लिमिटेड मिलेगी. और सबसे अच्छी बात है, इस प्रोडक्ट की जो फ्रेगनेंस है, इसकी फ्रेगनेंस इज रियली गुड. मतलब आप इसको जब लगाएंगे, जब आपके बाल गीले होंगे, व्हेन यू विल स्मेल योर हेयर, तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट गाइस. अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट के लेदर फॉर्मेशन की, तो ये लेदर बहुत अच्छा बनाता है. कुछ शैम्पू होते हैं जो कि लेदर अच्छा फॉर्म नहीं करते हैं, तो लेकिन मुझको पर्सनली जो शैम्पू ज़्यादा लेदर क्रिएट करता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. क्योंकि समवेयर मेरे को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहती है कि इम्प्योरिटीज, डर्ट, डस्ट वो सारी क्लीन ऑफ हो जाती है मेरे हेयर से. तो इसलिए भी मैं प्रेफर करती हूँ कि वाटिका नेचुरल आयुर्वेदिक शैम्पू को. तो दिस इज़ द अनदर रीज़न. और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक्सट्रीम शाइन तो नहीं रहेगी, लाइट शाइन रहेगी. बाकी आप एडिशनल रेमेडी भी कर सकते हैं इसके साथ, ताकि आपके जो हेयर का ग्रेस बना रहे. क्योंकि उसमें शाइन नहीं रहेगी तो ग्रेस तो वैसे आपके जो हेयर वैसे डेड हो जाएंगे. क्योंकि गाइज, अगर मैं अपने बालों की बात करूँ तो मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है. मेरे ज़्यादा जो बाल हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, मतलब समटाइम ऑयली बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो मेरे को वाटिका नेचुरल आयुर्वेदिक शैम्पू इसलिए पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाउंस देता है मेरे हेयर को. इसलिए भी मुझे पर्सनली ये पसंद है. और समवेयर मुझे लगता है कि जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, मेरे बाल ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे. लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं तो मैं फिर भी आपसे बोलना चाहूँगी कि आप अवॉइड कीजिए इसे यूज़ करना गाइस. अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी की, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा रनिंग में भी नहीं है और थिक में भी नहीं है. तो मीडियम कंसिस्टेंसी है इस प्रोडक्ट की. तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब आपने जैसे इसको, मतलब कि जैसे खोला इसका ओपनर है और उसके बाद अगर आप हाथ में करेंगे तो इंस्टेंट आ जाएगा, तो वो रनिंग आप कंसिस्टेंसी कह सकते हैं. और थिक कह सकते हैं जब सम टाइम होता है कि आपको अपने हाथ से इस तरह को जोर जोर से इस तरीके से आप करते हैं तब प्रोडक्ट बाहर निकलता है, तो थिक कंसिस्टेंसी होती है. तो इसका मतलब है कि आप जब अगर इसका ओपन करेंगे यहाँ से और अगर अपने हाथ में भी लेना चाहेंगे तो इंस्टेंटली नहीं आएगा ये आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में. तो रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं, इट्स अ मीडियम वन. और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, देयर आर टू वेज टू वॉश योर हेयर. प्रेफरेबली जो लोग प्रेफर करते हैं वो ये कि अपने हेयर को पहले गीला कर लेते हैं, उसके बाद शैम्पू डायरेक्टली लगाते हैं वो अपने सर पर. तो मैं इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती. मैं सेकंड प्रोसेस को फॉलो करती हूँ, वो ये कि मग के अंदर वाटर लेने के बाद थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसके बाद शैम्पू, और उसके बाद लेदर फॉर्म कीजिए. लेदर फॉर्म करने के बाद जब अपने बालों पे आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे से आपके हेयर क्लीन होते हैं. क्योंकि अगर आप नॉर्मली क्या करेंगे, अपने हेयर को वेट करेंगे और उसके बाद आप शैम्पू लगाते हैं, तो उससे आपका शैम्पू भी ज़्यादा लगता है गाइज. तो आई प्रेफर कि मैं सेकंड वाला वे फॉलो करूं, और मेरे को कहीं ना कहीं मैं बचपन से उस वे को फॉलो कर रही हूं. और आई फाउंड इट कि मतलब उसमें प्रोडक्ट कम लगता है, लेकिन आपका जो कि द वे जो आपका शैम्पू हो अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है. और सबसे अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की कि आपके बाल इससे कम गिरते हैं. द बेस्ट पार्ट इज दिस. बाकी हाँ, ये भी है कि आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है कि आप डाइट कैसी लेते हैं, क्या आप बाकी के रिजिम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं. क्योंकि आई लव माय हेयर, तो आई ऑलवेज फॉलो द प्रॉपर रिजिम ऑफ माय हेयर कि हाँ, मेरे बाल जो कि हमेशा शाइन करने चाहिए, लंबे रहने चाहिए और ग्रेसफुल रहने चाहिए गाइस. क्योंकि आई लव टू मेक डिफरेंट स्टाइल्स, तो मुझको पसंद है डिफरेंट स्टाइल हेयर स्टाइल करना. तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है. क्योंकि आप नोटिस करेंगे जब आप सैलून में भी जाते होंगे कोई हेयर स्टाइल करवाने के लिए, अगर आपके बाल
फ्लटर्ड हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्प्रे करके आपके बालों में पहले बाउंस क्रिएट करते हैं बैक कॉम्बिंग के साथ। लेकिन मेरे बालों में ऑलरेडी बाउंस आ जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझको बैक कॉम्बिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती गाइस। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगी, डाबर वाटिका की जो सेकंड बॉटल है ग्रीन वाली, वो जिसमें हेल्थ वाली बॉटल है, तो वो भी मैंने रिव्यू करी है, वो भी मैंने यूज़ करी है। दैट्स ऑल्सो रियली वेरी गुड बिकॉज समवेयर आई फाउंड कि डाबर वाटिका जो डाबर है, स्पेशली डाबर नेम जहाँ पर आ जाता है, देर इज़ अ यू नो फेथ गेट ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन साइड मी। तो मैं उसे डेफिनेटली यूज़ करा उसको मैंने, और कहीं ना कहीं वो भी गुड प्रोडक्ट में से एक है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका रिव्यू चेक कर सकते हैं गाइज। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा गाइज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर मैं इस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ कर रही हूँ, तो ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद अपना प्रोडक्ट परचेज करा है और मैंने इसे यूज़ करा है, और उसके बाद मैंने आपसे रिव्यू शेयर करा है। डाबर वाटिका एक इंडियन प्रोडक्ट है, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर शेल्फ लाइफ इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके अंदर केमिकल्स हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। अगर वो उसके अंदर केमिकल्स नहीं होंगे, तो उसकी शेल्फ लाइफ कभी भी नहीं बढ़ेगी। तो मे बी क्वांटिटी कम हो सकती है केमिकल्स की, लेकिन केमिकल्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर नॉर्मली कोई भी चीज़ होती है जो नेचुरल होती है, अगर आप उसे यूज़ करेंगे, वो एक दो दिन में ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आपको 2 ईयर 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिल रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो केमिकल्स इस प्रोडक्ट के अंदर है, वो कहीं भी हार्मफुल नहीं है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइस। फिल कंपोजिशन में रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ कलर ऑफ प्रोडक्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दिस डज नॉट चेंज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट। को बताना चाहूँगी कि ये शैम्पू कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके हेड लाइज या फिर एक्स रिमूव करने के लिए, लेकिन हाँ, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने कलर्ड हेयर पर। अगर आपके हेयर कलर हैं, तो आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सभी जेंडर्स यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल इवन चिल्ड्रन भी इसे यूज़ कर सकते हैं गाइस। डू यू फील दैट योर हेयर हैज़ गॉटन मोर डैमेज्ड ओवर टाइम एंड हैव बिकम वीकर? द सोल्यूशन लाइज इन द आयुर्वेदा विद द गुडनेस ऑफ 10 नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स विच गिव्स यू हेयर अप टू 45% हायर डैमेज प्रोटेक्शन एंड मेक्स देम अप टू 20% स्ट्रॉन्गर। मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और साथ ही साथ जैसे बताना मैं आपको चाहूँगी दोबारा से कि ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, और गाइज इट्स अ हाई टाइम टू जस्ट स्टार्ट यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। कहीं ना कहीं वी हैव टू सपोर्ट आवर इकोनॉमी एज वेल, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद ज़रूर आएगा। आप चाहें तो उसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टोर्स में मुझे मालूम नहीं है कि अभी कितना प्राइजेस चल रहा है, क्योंकि हर अगर आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, उनके सबके अपने प्राइजेस होते हैं, लेकिन इफ़ यू गो फॉर द अमेजोन, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ फिक्स डिस्काउंट, क्योंकि अभी वैसे भी सीजन चल रहे हैं। कोई ना कोई आपको देखो फेस्टिव सीजन पे भी अगर आप बाय करते हैं एक बॉटल प्राइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स फैमिली एंड गर्ल गैंग के साथ, और साथ ही साथ अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।